हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ज्ञान पॉइंट। आज हम इस वीडियो में उड़ीसा का स्टैटिक जीके व करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 19 स्टेट का स्टैटिक जीके व करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें तथा नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा राज्य दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक। क्षेत्रफल है 155,707 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 4.19 करोड़। साक्षरता है 72.9%। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 147। ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़िया। लिंगानुपात है 978 2011 की जनगणना के अनुसार। हाईकोर्ट है कटक और चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र भी कटक में ही स्थित है। बॉर्डर स्टेट है पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश, पूर्व उत्तर में पश्चिम बंगाल और उत्तर में झारखंड और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। नेशनल पार्क के भीतर कनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। प्रमुख नृत्य है ओडिसी। प्रमुख त्यौहार है पूरी रथ यात्रा और मकर मेला। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में ही स्थित है। भारत में सबसे खारे पानी की झील जिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है। इस पर पारीकुंड और मल्लूर दो सुंदर द्वीप स्थित हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री एच के मेहताब एवं पहले राज्यपाल एम आसफ अली थे। प्राचीन काल में उड़ीसा का नाम कलिंग था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व 268 में कलिंग नरेश एवं सम्राट अशोक के बीच युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। 795 ईसा पूर्व महाशिवगुप्त ययाति द्वितीय ने पुरी में विख्यात जगन्नाथ मंदिर बनवाया। फेमस स्कीम्स, कालिया स्कीम्स, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम आर्गुमेंटेशन, ये है किसानों के लिए। फीता स्कीम्स फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट। सुनेत्र स्कीम, अम्मा घर एलईडी योजना, मो बस सेवा और मो साइकिल सेवा। उड़ीसा के करंट अफेयर्स, हाल ही में उड़ीसा में स्थित विलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति शिल्प मेला ट्राइबल क्राफ्ट का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। हाल ही में उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में FIH मेन सीरीज का समापन हुआ, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। हाल ही में उड़ीसा के सुदर्शन पैटर्निक इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में उड़ीसा की कंदमाल हल्दी को GI टैग दिया गया। प्रसिद्ध एथलीट दूती चंद का संबंध उड़ीसा से ही है। मधु मोबाइल ऐप स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है।